या कहीं भी रेल में त्रुटि है तो उसको तुरंत ऑब्जर्व करके उसको सॉल्व क्यों नहीं किया जाता है? भ्रम में हो जाएंगे कि ये दो बोगी है, देखिए एक वहाँ है, एक पीछे में, वहीं पे सटी हुई है। आनंद विहार से चल के कामाख्या के जाने वाली नर्थ इस बक्सर से आगे रघुनाथपुर स्टेशन पर क्षतिग्रस्त हो गई है। सभी बोगियां पटरी से उतर गई है। क्या हुआ था राणा जी जब आप आए थे? देखिए यहाँ पे जब हम आए थे तो आप जो ये सामने देख रहे हैं ना, ये दिखाइए, लेफ्ट में एक बोगी है, उसके बगल में एक बोगी है, उसके बगल पलटी दिख रही है। नहीं, यहाँ चार बोगी है। ये लोग भ्रम में हो जाएंगे कि ये दो बोगी है, देखिए एक वहाँ है, एक पीछे में, वहीं पे सटी हुई है, और एक इधर साइड में है, ये है। और वो जो सामने देख रहे हैं ना बीच वाली बोगी, वो साफ पलट चुकी है, पूरी पलटी साफ पलटी मार चुकी है। अब उसी में सबसे ज्यादा कैजुअलिटी हुआ है, उसी में से डेथ भी निकले हैं। और देखिए एक्चुअली हुआ क्या कि जब यहाँ पे ये रेल हादसा हुआ ना तो बहुत तेज आवाज आई, गांव के लोगों ने ये बताया मुझे, जब मैं रात भर रिपोर्टिंग किया हुआ। आप कितने बजे यहाँ पर मौजूद हुए थे? मैं यहाँ पे लगभग 12:30 एक के बीच में मैं आ गया। घटना ये 9:30 बजे की, 9:30 के मैं भी आरा से आया था, इसलिए थोड़ा सा देर हो गई, समझ सकते हैं। और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है आदमी, क्या करे, जाए कैसे, जाए रात को क्या होगा। पता है हमने आईजी साहब से भी बात किया है, जो रेल के आईजी है उनसे भी हमने 1-to-1 बात किया है। डीआरएम से भी बात हुई? डीआरएम से हमारी अभी नहीं बात हुई, आईजी साहब से बात हुई है। आईजी साहब ने साफ तौर पर कहा है, जो रेल के आईजी साहब डीआरएम जोन के होते हैं वो रेल के आईजी हैं, पूरे रेल के आईजी हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो रेस्क्यू टीम है, रेस्क्यू जो है वो रात भर में कर दी गई है, और जो अब जो है इसको किस तरीके से परिचालन चालू किया जा सके, रेल का जो है जो पटरिया जो है वो सही किया जा सके, उसके लिए अब हम लोग लगे हुए हैं। राणा, एक सवाल आपसे बनती है कि ये बताइए, एक तरफ हमारे मोदी जी बुलेट ट्रेन, फास्ट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी जगह एक लोकल ट्रेन और एक एक्सप्रेस ट्रेन के कारण पटरिया की चिथड़ी उड़ जा रही है, तो फिर फास्ट ट्रेन कैसे चलेगी, बुलेट ट्रेन कैसे? रात भर हम यही पूछे हैं, रात भर मैंने यही सवाल किया है। भैया ये बताइए कि आम जिंदगी, इसमें जीआरपी के भी टीम के लोग होंगे, जो जीआरपी यहाँ पे खड़ी है, आरपीएफ की टीम के लोग हैं, ये लोग भी उसमें उसमें होंगे, उस रेल डब्बे में होंगे, सुरक्षा के लिए इनकी जान नहीं, इनकी जान की कीमत नहीं है क्या? या कहीं भी रेल में त्रुटि है तो उसको तुरंत ऑब्जर्व करके उसको सॉल्व क्यों नहीं किया जाता है, यही तो हम पूछ रहे हैं। घटना को बताइए, जब आप आए, ठीक है, उस समय रेस्क्यू चालू थी? रेस्क्यू चालू थी, हमारे सामने कुछ लोगों को निकाला जा रहा था बाहर। कौन निकाल रहे थे, स्थानीय लोग या प्रशासन? एनडीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, सारे टीम थे, सुशील भी आ गए, कई सारे लोग थे जो यहाँ पे थे, और वो लगातार जो है वो रेस्क्यू कर रहे थे। चार जो है कैजुअल्टी हुई है, चार लोगों की मौत हुई है, और जो मैंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मैंने जो देखा है, अपने आंखों से जो मैंने देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो मैंने वहाँ से डाटा कलेक्ट किया है। उसके बाद 8-10 लोग जो थे वहाँ पे थे, जिनसे हमने बात किया, जिनसे हमने जाना कि आखिर ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब जो है यहाँ पे जो भी है पटरियों पे जो है ट्रेन जो है लगी हुई है उसको हटाया जा रहा है। दो बोगियाँ है वो साफ पलट चुकी है, लेकिन लगभग सारी बोगियाँ जो है वो डिले हो चुकी है। हम कामना यही करेंगे कि जो है सब लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, और हम लोग आप लोग ना एक एक, एक आखिरी सवाल रहेगा, जाको राके साई मार सके ना कोई, इतनी बड़ी दुर्घटना, अभी देखो 4 महीना हुआ, एक भयावह स्थिति, ऐसा भयावह मंजर भगवान ना करे किसी को देखने को मिले, और ये दूसरी हादसा, तो ये क्या है, रेलवे प्रशासन पर ये या केंद्र सरकार पर सवाल उठना ही चाहिए? वैसे बात उठना चाहिए, हम तो सवाल पूछे हैं कि अच्छा ये बताइए कि रेलवे कर्मचारियों की रिक्त संख्या कितनी है, रेलवे में कितनी लोगों की जो है रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल नहीं कर पा रही है केंद्र सरकार या रेलवे रेलवे मंत्रालय। आखिर जो है कहा जा रहा है, कुछ लोग बोलते हैं दबे मेंटेनेंस को भी लेकर, नहीं दबे जवान भी बोलते हैं कि एक आदमी, तीन आदमी का एक आदमी को काम करना पड़ रहा है, तो ये है, ठीक है। अब ये बात है कि मैंने आखिर वो रिक्त पंक्तियाँ कहाँ गई, वहाँ के मतलब लोग जो हैं आखिर उसमें नहीं शामिल होंगे, तो फिर कुछ। फिलहाल नए अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे खबरों में, देखते रहिए तमाम खबरों के लिए बोले भारत। नमस्कार।